Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic introduction to probability. This is the next and last unit of your topic, of your syllabus. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट मेजर्स द अनसर्टेनिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट यूजिंग नंबर्स इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. द चांस दैट एन इवेंट विल और विल नॉट अकर इज एक्सप्रेस्ड ऑन अ स्केल रेंजिंग फ्रॉम 0 to 1. यानी कि प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स की उस ब्रांच को कहा जाता है जो किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के अकर होने के अनसर्टेनिटी को मेजर करती है. कोई भी पर्टिकुलर एक इवेंट है, वो अकर होगी या नहीं होगी या उसके अकर होने के क्या चांसेस हैं, इसको हम मेजर करते हैं बिटवीन द स्केल 0 to 1. जो उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, जहां 0 का मतलब है कि वो इवेंट अकर नहीं होगी और 1 का मतलब है वो इवेंट 100% अकर होगी, यानी कि सर्टेनिटी के साथ में अकर होगी. यानी कि परसेंटेज के तौर पर भी हम डिफाइन कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी को. अगर रेंज की बात कर रहे हैं 0 to 1, तो इसका मतलब 0% का मतलब हुआ कि इम्पॉसिबल इवेंट है और 100% का मतलब हो गया सर्टेन इवेंट. तो यहाँ पर हमें दो टर्म्स अभी स्टडी करेंगे. सबसे पहला आता है इवेंट और एक आता है आउटकम. क्या मतलब होता है? पहले आउटकम की बात करते हैं. आउटकम इज अ रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट. आपने कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट फॉलो करा और उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट निकल कर आया वो आउटकम कहलाएगा. जैसे कि जब आपने एक डाइस को थ्रो किया, रोल किया, तो उसमें आपको 6 मिला, तो 6 क्या हो गया? उसका आउटकम हो गया. अब बात करते हैं इवेंट की. इवेंट क्या है? इवेंट इज अ सेट ऑफ आउटकम्स. एग्जाम्पल के तौर पर, व्हेन वी रोल डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 5 इज एन इवेंट. तो जब हम एक रोल को डाइस को एक रोल कर रहे हैं, तो डाइस को रोल करते समय हम ये पता करना चाहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर जो नंबर आएगा वो नंबर 5 से कम होगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है. तो ये क्या हो गई? दिस इज नोन एज इवेंट. दैट इज क्लियर. अच्छा, इसमें एक चीज़ और आ रही है. हमने डाइस को थ्रो करा, तो डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक एक्सपेरिमेंट. यहाँ तो पॉइंट क्लियर हो गए हमारे. चलिए अब आगे बात करते हैं. अब हम बात करेंगे अबाउट द डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी. डिफरेंट वेज में प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया गया है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी. क्या कहती है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कैन बी अप्लाइड टू एनी इवेंट एसोसिएटेड विद एन एक्सपेरिमेंट दैट इज रिपीटेड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स. अ ट्रायल इज व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड वंस. इट इज ऑल्सो नोन एज एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी. यानी कि कोई भी इवेंट जो एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड है उस पर हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि हम लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स के बेसिस पर रिपीट भी कर सकते हैं. जब हम एक्सपेरिमेंट को एक बार परफॉर्म करते हैं तो वो एक ट्रायल कहलाता है. इसी वजह से इसको हम एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी का नाम भी देते हैं. अब इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी? इसका फॉर्मूला है PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स वेयर द इवेंट अकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. यानी कि आपके द्वारा कितने नंबर ऑफ ट्रायल्स लिए गए इसको आप काउंट कर लोगे और फिर उन ट्रायल्स को देखोगे जिसमें वो पर्टिकुलर इवेंट अकर हुई जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हो या जिसके रिगार्डिंग आप अपना एक्सपेरिमेंट फॉलो कर रहे हो. तो नंबर ऑफ ट्रायल्स वेयर द इवेंट अकर्ड इसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल से. इस तरह से हमें एक्सपेरिमेंटल या एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी मिल जाती है. ठीक है, इसी में दूसरा आता है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी. थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इसका भी फॉर्मूला है. इसका फॉर्मूला है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, इसको PE से डिफाइन करेंगे भाई, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट. कोई भी एक्सपेरिमेंट आपके द्वारा फॉलो किया जा रहा है उसमें जो उसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं उसको काउंट करेंगे और
जो आउटकम्स इवेंट ई के फेवर में है उसको काउंट करेंगे, और जो आउटकम्स ई के फेवर में है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट से। तो इस तरह से हमें उस पर्टिकुलर इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी पता चल जाती है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक अपने डाइस को थ्रो करा है, अब आप ये पता करना चाहते हैं कि 6 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है उसके, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। तो 6 आउटकम्स हैं उसके और 6 केवल एक बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब 6 के आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6, 1/6। हम ये मानते हैं इस एक्सपेरिमेंट में कि जो एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली हैं। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट वन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब अगर हम किसी भी पर्टिकुलर इवेंट की बात करें और हमें उसकी प्रोबेबिलिटी को कंसीडर करना हो, तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला करेंगे। हम ये मानते हैं कि हमारे पास एक फाइनाइट सैम्पल स्पेस अवेलेबल है जिसमें इक्वली लाइकली आउटकम्स अवेलेबल है, ठीक है। तो एक इवेंट को डिटरमाइन करने की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है PA इज इक्वल टू NA अपॉन NS, यानी कि N ऑफ A डिवाइडेड बाय N ऑफ S, जहां N ऑफ A का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A। जो सेट A है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसको हम NA से रिप्रेजेंट करेंगे, और NS का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट S, यानी कि जो सैंपल स्पेस है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उसको हम NS से डिवाइड करेंगे। और इस तरह से NA को NS से डिवाइड करते हुए हम उस पर्टिकुलर इवेंट के अगर होने की प्रोबेबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर दो इवेंट्स हैं P और Q, ठीक है, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मुझे इनका एसोसिएशन कैलकुलेट करना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग इवेंट्स P और Q इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ P प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ Q माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ P एंड Q। इसका मतलब P प्रोबेबिलिटी ऑफ P यूनियन Q इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ P प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ Q माइनस P प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन Q। लेकिन अगर P और Q दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो उस केस में P इंटरसेक्शन Q क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है, और तब P प्रोबेबिलिटी ऑफ P यूनियन Q विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ P प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ Q। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ऐसे अगला पॉइंट देखते हैं इसका, अगर एक M इवेंट दे रखी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट M इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ M, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ M प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट M इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसी वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट M इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ M। अगर मैं किसी श्योर इवेंट की बात करूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1, और अगर मैं इम्पॉसिबल इवेंट की बात करूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। तो इस तरह से हम एक इवेंट के रेफरेंस में प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूले मैंने आपसे डिस्कस किए यहाँ पर। अब हम बात कर रहे हैं बहुत सारी इवेंट्स की बात कर रहे हैं, तो अब डिफरेंट टाइप की इवेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन सी इवेंट्स हैं, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोबेबिलिटी के जिसके बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है। तो यहाँ मैंने कुछ इवेंट्स के टाइप्स को डिफाइन किया है, जैसे पहली है इम्पॉसिबल एंड सियोर इवेंट्स, दूसरी कहलाती है सिंपल इवेंट्स, तीसरी इसके अंदर कंपाउंड इवेंट्स, चौथी है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स, नेक्स्ट वन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, नेक्स्ट एग्जॉस्टिव इवेंट्स, नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, नेक्स्ट इवेंट्स एसोसिएटेड विद और, नेक्स्ट इवेंट्स एसोसिएटेड विद एंड, एंड द लास्ट वन इवेंट्स इवन बट नॉट E2। तो ये कुछ पर्टिकुलर टाइप्स की इवेंट्स हैं जिनका एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको और आगे जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए बात करते हैं आगे अबाउट द फर्स्ट वन, इम्पॉसिबल एंड सियोर इवेंट। अगर किसी भी पर्टिकुलर इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज जीरो, सच एन इवेंट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट, एंड इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज 1, देन इट इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट। किसी भी इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी अगर जीरो है तो वो हो गई इम्पॉसिबल इवेंट, और किसी के अकर होने की प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो वो हो गई श्योर इवेंट, यानी कि वो श्योरली अकर होगी ही होगी। यानी कि जो एम्प्टी सेट है फाई, इसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, और जो सैंपल स्पेस है एस, उसे हम श्योर इवेंट का नाम देते हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं सिंपल इवेंट्स। एनी इवेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल पॉइंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज नोन एज अ सिंपल इवेंट इन प्रोबेबिलिटी। यानी कि कोई भी इवेंट की बात करें, उसके पास अगर एक सिंगल पॉइंट ऑफ सैंपल स्पेस अवेलेबल होता है तो उस इवेंट को हम सिंपल इवेंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर,
एस दे रखा है आपके पास 56, 78, 96, 54, 89 और ई दे रखा है आपको 78. तो सिंगल इवेंट है यहाँ पर, सिंगल पॉइंट है, तो सैंपल स्पेस का केवल सिंगल पॉइंट अवेलेबल है ई के पास, इसी वजह से ई को हम एक सिंपल इवेंट का नाम देंगे. सिंपल, क्लियर हो गया. नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड है इसके अंदर कंपाउंड इवेंट्स. क्या होती हैं ये? कॉन्ट्ररी टू द सिंपल इवेंट, इफ एनी इवेंट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सिंगल पॉइंट ऑफ द सैंपल स्पेस देन सच एन इवेंट इज कॉल्ड अ कंपाउंड इवेंट. यानी कि अगर कोई इवेंट ऐसी है जिसमें एक से ज़्यादा सिंगल पॉइंट अवेलेबल होते हैं सैंपल स्पेस के, अगर एक पॉइंट अवेलेबल है तो सिंपल इवेंट हो गई, लेकिन अगर एक से ज़्यादा पॉइंट्स अवेलेबल है तो वो हो जाएगी आपकी कंपाउंड इवेंट. जैसे ऊपर वाले एग्जांपल को कंसीडर कर लेते हैं, एस है इसमें 56, 78, 96, 54, 89 और E1 दे रखा है 56, 54 और फिर E2 दे रखा है 78, 56, 89, तो E1 और E2 ये दो क्या होगा इसके कंपाउंड सेट्स हो गए. क्लियर हो गया. और दोनों ही सेम सैंपल स्पेस से बिलोंग कर रहे हैं, इसी वजह से इनको हम कंपाउंड इवेंट्स में कंसीडर करेंगे. चलिए आगे बात करते हैं. नेक्स्ट वन इसमें आता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड डिपेंडेंट इवेंट्स. इफ द अक्रेंस ऑफ एनी इवेंट इज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द अक्रेंस ऑफ एनी अदर इवेंट सच इवेंट आर नोन एज इंडिपेंडेंट इवेंट. यानी कि दो इवेंट अकर हो रही हैं और एक इवेंट के अकर होने के जो चांसेस हैं वो दूसरे इवेंट के अकर होने के चांसेस पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं तो हो गई इंडिपेंडेंट, और अगर कर रहे हैं अफेक्ट कर रही हैं अगर दोनों इवेंट एक दूसरे को तो वो कहलाएंगी आपकी डिपेंडेंट इवेंट्स. पॉइंट क्लियर हो गया. चलिए अगले बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. यानी कि अगर कोई इवेंट ऐसी है जो अनदर इवेंट के अक्रेंस को एक्सक्लूड करती है तो दोनों इवेंट्स आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाती हैं. यानी कि दो इवेंट्स ऐसी हैं दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो वो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाएंगे. जैसे डाइस की बात कर रहे हैं ना, एक डाइस में आपने नंबर्स को फेंका तो टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा इसका 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा. अब E1 और E2 दो इवेंट्स लेके चलते हैं. E1 का मतलब है हमें एक नंबर चाहिए लेस देन 3 और E2 का मतलब है हमें नंबर चाहिए ग्रेटर देन 4. तो लेस देन 3 में दो नंबर आएंगे 1, 2 और ग्रेटर देन 4 में दो नंबर आएंगे 5, 6. अब ये दोनों इवेंट्स कैसी हो गई, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है दोनों इवेंट्स के अंदर, इसी वजह से इन दोनों इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में कंसीडर करेंगे. ठीक है. अब होती है एग्जॉस्टिव इवेंट्स. अ सेट ऑफ इवेंट्स इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इफ ऑल द इवेंट्स टुगेदर कंज्यूम द एंटायर सैंपल स्पेस. मतलब जितनी इवेंट्स हैं अगर उन सबका सम कर दिया जाए और वो कंप्लीट सैंपल स्पेस को डिफाइन कर दे तो वो कहलाएंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स. जैसे एक कॉइन को टॉस किया गया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, हेड आने की प्रॉबर्टी 1/2, टेल आने की प्रॉबर्टी 1/2. अगर दोनों इवेंट्स को कंबाइन कर दिया जाए तो ये टोटल सैंपल स्पेस को डिफाइन करेंगे. तो इसका मतलब हेड कॉमा टेल जो अलग अलग इवेंट्स हैं अगर इनको कंबाइन कर देता हूँ तो ये दोनों टोटल सैंपल स्पेस को डिफाइन कर रहे हैं, इसी वजह से इन्हें हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स के नाम से जानेंगे. नेक्स्ट वन दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. अगर मान लीजिए कोई इवेंट इवन है और एक दूसरी इवेंट है इवन डैश जो कि इवन के रिमेनिंग एलिमेंट्स को डिफाइन कर रही है सैंपल स्पेस में तो हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहेंगे. यानी कि इवन का फॉर्मूला क्या होगा, एस माइनस इवन डैश. मान लीजिए सैंपल स्पेस दे रखा है एस इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक इवेंट इवन दे रखी है और इसमें आपसे कह रहा है कि इट रिप्रेजेंट्स ऑल द आउटकम्स विच इज ग्रेटर देन 4 यानी कि 5, 6. तो इवन डैश किया जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 को छोड़कर बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो इवन डैश को डिफाइन करेंगे. तो इसका मतलब जो इवन डैश है वो इवेंट इवन की कॉम्प्लीमेंट हो गई. तो अगर मैं इवन की बात करूँगा तो उसको कॉम्प्लीमेंट इवन डैश, E2 का E2 डैश, E3 का E3 डैश, EN का EN डैश कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहलाएगी. इवेंट्स हम बात करते हैं जो एसोसिएटेड होती है और से. अगर दो इवेंट्स हैं इवन और E2 और दोनों और इवन और E2 से एसोसिएटेड है, इसका मतलब हुआ आइदर इवन और E2 और बोथ, और इसके लिए हम U सिंबल का यूज़ करते हैं वो और को रिप्रेजेंट करने के लिए. इसका मतलब जो इवन यूनियन E2 है वो इवन और E2 को डिफाइन करेगा. अगर दो इवेंट्स ऐसी हैं जो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं और वो सैंपल स्पेस S से जुड़ी हुई हैं तो हम क्या करेंगे, इवन यूनियन E2 यूनियन U3 यूनियन E4 अप टू डैश यूनियन EN दैट विल बी इक्वल टू टोटल सैंपल स्पेस. ठीक है. चलिए आगे बात करते हैं. नेक्स्ट वन इज द इवेंट्स एसोसिएटेड विद एंड. जो इवेंट्स एंड से जुड़ी होती हैं इसका मतलब है कि दोनों इवेंट्स क्या कर रही हैं, इंटरसेक्शन को डिफाइन कर रही हैं जो कि दोनों में कॉमन है.
तो दो इवेंट्स इस तरह से, अगर कुछ कॉमन पार्ट है तो उस कॉमन पार्ट को हम एंड से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिवर्स यू, रिवर्स यू से इस सिंबल को, रिवर्स यू के सिंबल से एंड को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इवन रिवर्स यू ई टू डिनोट्स इवन एंड ई टू, इसे हम इंटरसेक्शन का नाम देते हैं। लास्ट होती है इसके अंदर इवेंट्स इवन बट नॉट ई टू, क्या मतलब होता है, ये दोनों इवेंट्स के डिफरेंस को डिफाइन करती है। इवेंट इवन बट नॉट ई टू का मतलब होगा ऑल द आउटकम्स विच आर रिप्रेजेंट इन इवन बट नॉट ई टू, तो इसका मतलब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इवन कॉमा ई टू से, और इसका फॉर्मूला बन जाएगा इवन माइनस ई टू, दैट इज क्लियर। सो दिस ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स। थैंक यू।